हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को लेकर। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर बताइए कि मिथिला यूनिवर्सिटी में पार्ट वन का एडमिशन कब होगा। हम लोगों ने इंटर पास कर लिया है और मेरी इच्छा जो है पार्ट LNMU में जो है पार्ट वन के एडमिशन करना है। BA पार्ट वन में एडमिशन के लिए जो है कब से डेट निकाला जाएगा, ये जानकारी आप मुझे बताइए। इस तरह के लोग जो है कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि जिन लोगों ने 2021 में इंटर पास किया है और BA में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो कब से उन लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा, ये सारा जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपको ये फायदा होगा कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वो नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जैसे कि आपको इस वेबसाइट पर आना है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम है khabrisapata.online। इस पे आने के बाद यहाँ पे आपका बहुत सारा ऐड दिखेंगे, जिसमें से एक यहाँ पे एक लिंक आपको दिखेगा ललित नारायण LNMU BSc BCom पार्ट वन एडमिशन 2021-24। ये लिंक आपको दिखेगा, इस लिंक पे आपको आएंगे तो सारा जानकारी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारे उसके बाद मैं बताऊँगा कि कब से जो है ऑनलाइन होने वाला है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसके लिए आवेदन के लिए जो है आपको जो है फीस जो लगेगा, आपको ऑनलाइन 400 रुपये फीस लगेंगे, यानी अकाउंट से आपको 400 रुपये काटे जाएंगे। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है तो इंटरमीडिएट का मार्कशीट लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर लगेगा, वो भी स्कैन किया हुआ। इसके साथ एक ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ध्यान आपको रखना है कि एक मोबाइल और ईमेल आईडी से एक ही का जो है ऑनलाइन हो पाएगा। इसके बाद जो है एडमिशन फॉर्म जो है अप्लाई होगा, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट लगा रहे, इसके साथ साथ जो है आपको आधार नंबर भी लगेगा। इसके बाद मैं बता देता हूँ कि बिना देर किए कि ऑनलाइन कब से होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है कि LNMU UG पार्ट वन एडमिशन 21-24 का ये डेट है। यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन एडमिशन नोटिफिकेशन रिलीज डेट यह जो है 25 जुलाई को, यानी इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा वह संभावित तिथि बताई जा रही है 25 जुलाई को। यहाँ एडमिशन का जो भी डेट, यहाँ फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वीक जुलाई के चौथे वीक में बताया जा रहा है, यानी 25 तारीख को, अगर 25 जुलाई को जो ये बताया जाए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो 26-27 के बाद जो है आपका एडमिशन शुरू हो सकता है, जो कि आपको संभावित है। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि ये ना समझ लीजिएगा कि मैंने ये कन्फर्म बता दिया है। इस वेबसाइट के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से जो भी जानकारी मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद होगा। आपको अगर लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन आप जानना चाहते हैं तो आप रेगुलर जो है इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो भी आपको जो है लेटेस्ट जानकारी मिल पाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।